है नुपुर शर्मा, जल्दी से एक कमेंट आपसे। एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी, उम्र कैद मिली है जी। वकील, अब वकील, वकील कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड तो सुना देते हैं वकील क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। यूएपीए 5 ईयर 5,000 फाइन, सेक्शन 20 यूएपीए 10 ईयर 10,000 फाइन, एनीथिंग एल्स यू पीपल वांट टू आस्क? क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन पूछे ना? आई विल कम आउटसाइड। नुपुर, जल्दी से जैसे ही वकील की आवाज आएगी हम सुनाएंगे वो क्या कह रहे हैं वहां पर, लेकिन जल्दी से आपका कमेंट इस पर। एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी नुपुर अंजना जी, बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, इससे पहले मैंने एक अन्य चैनल पे ये भी सुना है कि अगर उम्र कैद की सजा सुनाते हैं तो एनआईए इसको अपील करके सेंटेंसिंग में फांसी की सजा की मांग करेगी, लेकिन ध्यान दें कि सिर्फ 2017 के टेरर फंडिंग मामले में है। अभी मिसेस खन्ना को मैंने सुना, और भगवान करे और कोर्ट की भी इसमें मैजिस्ट्री हो कि वो 1990 के इंडियन एयरफोर्स निहत्ते फोर्सेस के कत्ल के अंदर उनको फांसी की सजा सुनाई दी, अभी उसका भी सुनवाई चल रही है। बिल्कुल, और उस मामले का इंतजार रहेगा। हमारे साथ एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। अशोक पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मैं फौरन आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अशोक पंडित जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यासीन मलिक और उसकी क्या भूमिका रही है ये सबको पता है जो जम्मू कश्मीर की सच्चाई जानता है। आतंकवाद का, टेरर की फंडिंग का एक लंबा इतिहास, और इसी वजह से आज ये फैसला। अशोक जी, अंजना जी, मैं उस दिन मुझे तसल्ली होगी और मेरे कश्मीरी पंडित भाई और बहनों को तसल्ली होगी, जिस दिन हम यासीन मलिक को फांसी के फंदे पर लटके हुए देखेंगे। आज शुरुआत है, आज इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से यासीन मलिक ने हमारी हत्याएं की, हमारे लोगों को मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा, उनकी जानें ली, हमारे जेनोसाइड का, हमारे एथनिक क्लीनिंग का रिस्पॉन्सिबल है ये यासीन मलिक, ये एक हैवान है, ये एक टेररिस्ट है, इसने टेररिस्ट को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि इसने हमारी जानें ली है। तो हम उसी दिन जैसे मिसेस खन्ना भी कह रही थी कि चलते चलते उसने उसके हस्बैंड को मार दिया, ऐसे कई सारी लाशें इस शख्स ने रोड सड़कों पे वहां पर गिराई है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हो, चाहे वो आम मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो सिख हो, ये शख्स ने कश्मीर में आतंकवाद को पनपाया, पैदा किया, बड़ा किया, और टेररिज्म का इसने रिलीजन को पाला है इस आदमी ने। तो इस आदमी को फांसी से कम सजा हमें तसल्ली नहीं देती, हम चाहते हैं कि इस आदमी को हैंग अंटिल डेथ का पनिशमेंट मिलना चाहिए। शुरुआत है, थोड़ी तसल्ली तो जरूर हुई है कि इसको एक सजा तो मिली है, कम से कम ऑफिशियल सजा। जिस आदमी को इस देश के लिबरल्स ने सपोर्ट किया, जिस टेररिस्ट को इस देश के लिबरल्स ने आइकन बोला, जिस टेररिस्ट को इस देश में कुछ लोगों के मीडिया हाउसेस ने इसको गांधी कहा, यहाँ के स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स ने इसको इंटेलेक्चुअल कहा, वो सारे लोग जो इसके सपोर्टर्स थे, अरुंधति रॉय, ऐसे पूरी जमात, उन लोगों के अगेंस्ट भी, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, उन लोगों के अगेंस्ट भी अंडर टेरर लॉस एक्शन होना चाहिए। अलगाववादी नेता बनकर बड़े रौब से घूमते थे, जो लोग श्रीनगर जाते थे वो जानते थे कि जिन लेन्स में, जिन सड़कों पर इनके मकान थे, वहां पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, वीआईपी के तौर पर इनके ट्रीटमेंट हुआ करते थे, सरकारी पैसे पर जो घूमते थे। एसपी वैद साहब हमारे साथ, भट्टी साहब, मुस्कुराने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं लौट रही हूं आपके पास। एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एसपी वैद साहब, जब आप इस मामले में अब यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से देखते हैं, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? सर अंजना जी, मैं समझता हूं कि कुछ इंसाफ हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। आप जानती हैं कि इसके कितने बड़े बड़े क्राइम है, 4 एयरफोर्स के जवानों को मारा, उनके परिवार अभी भी, जैसे आप मिसेस खन्ना को सुन रहे थे, उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। जो कश्मीरी पंडित दर्जनों के मारे गए और उनके रेप हुए, उनकी परिवार को इंसाफ नहीं मिला। जब तक वो केसेस कंक्लूड नहीं हो जाते, उन केसेस में कन्विक्शन नहीं हो जाती, तब तक पूरी तरह तसल्ली इस देश के हर बाशिंदे को, हर इंसान को नहीं होगी। मैं समझता हूँ एक वेलकम स्टेप, एक कदम अच्छा है, और ये एक दिन जस्टिस होना है, यहाँ यहाँ भी और ऊपर जाकर भी।